संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी महाशिवरात्रि आने वाली हैं इसलिए गुरु जी के मंदिर अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने नियर बाय मंदिर का टाइमिंग आप देख सकते हैं दिए टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अपने नियर बाय मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज के सत्संग जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना� जय गुरु जी शुक्रना गुरु जी आ, ये मेरा तीसरा सत्संग है पहला सत्संग मैंने आ, बताया था कि मैं गुरु जी के साथ मेरी जर्नी मैं कैसे जुड़ी और दूसरा सत्संग में मैंने बताया था कि मैं बड़े मंदिर कैसे गई और तीसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं जब आ, अपने आ, बड़े मंदिर से होके जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे घर में काफ़ी कलेश लड़ाई झगड़ा हुआ मेरे अंकल जी को लेके मेरे अंकल जी ड्रिंक बड़े करते हैं तो उस चक्कर में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया था कि ड्रिंक नहीं करनी है बिल्कुल तो वो मानते नहीं थे वो ड्रिंक करते ही करते थे फिर मैं गुरुजी के आगे बड़ा ही रोई बड़ा ही रोई कि गुरुजी क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये तो ड्रिंक नहीं करना छोड़ रहे हैं और उधर से इनके घर वाले कह रहे हैं कि ये ड्रिंक करेगा तो इसकी जान को खतरा है तो फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू घबरा मत तेरे अंकल को मैंने ब्लेस कर दिया है और तेरे अंकल को कुछ नहीं होने वाला तेरे अंकल बिल्कुल ठीक ही ठीक हो जाएंगे तो फिर मैंने बोला चलो जय गुरुजी तो देखो गुरु जी का भी ये चमत्कार हुआ कि मेरे अंकल ड्रिंक करती हैं अभी भी लेकिन मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हैं पहले से कम ड्रिंक करती हैं और बिल्कुल ठीक हैं अच्छा जब लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो मैं ये बताना भूल गई कि मेरी जो सास है वो अलग रहती है मेरे से और मैं अलग रहती हूँ तो जब मेरी सास यहाँ पे आई तो वो गुरुद्वारे को मानती हैं वो गुरु जी को नहीं मानती हैं तो जब उन्होंने देखा कि ये दिया बत्ती करती है और ये मतलब ऐसे गुरु जी के आगे जोत जलाती है तो उनके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें आई कि पता नहीं ये क्या करती है क्योंकि तो वो लोग तो सिर्फ गुरुद्वारे ही जाते हैं वो कभी उन्होंने अपने घर में दिया नहीं जलाया कभी कुछ नहीं तो मैं गुरु जी को मानती हूँ वो गुरु जी को नहीं मानते हैं तो ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने बोला कि तू एक कोई मान एक कोई किया कर तू अब अब तू मतलब ये दिया जलाने लगी तो जो उनकी थिंकिंग थी जो उनके हार हार हाव थे बोलने वाले वो मतलब अच्छे नहीं थे तो उनका उनका मतलब था कि भाई ये भई ये यहाँ से चली जाएगी क्योंकि जो अंकल जी के बीच यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ कि वो ड्रिंक करते हैं ये है वो है काफ़ी बुरा भला बोला मेरी सास ने मेरे को तो फिर मैंने गुरु जी का जो स्वरूप है वो अपनी टैची में रख दिया और मैं कपड़े वपड़े पैक कर लिए मैंने उनको बोला कि आप अंकल जी को अपने पास ही रख लो मैं अपने मायके अपने घर चली जाती हूँ मेरा मायका है दिल्ली तो मैं मायके चली जाती हूँ तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि शायद ये भी मेरी परीक्षा थी कि गुरुजी ने सोचा कि भाई मैं ये ये भी मेरी परीक्षा ही होगी कि भाई हाँ ये देखता हूँ कि भाई ये अगर जैसे मेरी सास इतना बोल रही है तो मैं गुरु को छोड़ दूँ ये भी हो सकता है लेकिन मैंने नहीं छोड़ा उनको मैंने उनको नहीं छोड़ा तो उस वक्त भी उनके मैसेज आ रहे थे कि तू घबरा मत तू टेंशन मत ले मैं तेरे साथ हूँ अच्छा फिर मैं फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर ने फ़ोन किया मेरे देवर को कि आप लड़की को भेज दो तीन चार महीने के लिए और आप लड़का अपने पास रख लो तो मेरे अंकल को अपने पास रख लो तो फिर नहीं जी नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है आ, कोई बात नहीं है मी बी मियाँ बीबी की तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है ये है वो है चलो बात तो उसने ख़त्म कर दी फिर उसने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं भेजेंगे भाभी को फिर इन्होंने भी बोला कि भाई नहीं जाएगी तू तो देखो ये भी गुरुजी का चमत्कार हुआ कि वो शायद मेरा टेस्ट ले रहे थे कि देखता हूँ उनके कहने पे इतना लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो ये मेरे को छोड़ती है कि नहीं छोड़ती लेकिन मैंने गुरुजी को नहीं छोड़ा क्योंकि उनका और मेरा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है गुरु तो मुझे बोलते हैं तेरा और मेरा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है तो मैं गुरु को कैसे छोड़ दूंगी मेरे जब से मुझे गुरु मिले हैं मेरे को एक शांति हुई है दिमाग में मेरे मैं डिप्रेशन से बाहर निकली हूँ नहीं तो मेरे घर का माहौल खराब था मेरे डिप्रेशन में ही रहती थी लेकिन अब एक शांति से हुई है तो गुरुजी ने जो है मेरे मेरा एक बेटा है तो वो दिल्ली स्टडी करता है नाना नानी के पास रहता है तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया है मेरे मायके परिवार को भी ब्लेस किया गुरु ने तो गुरु भी मेरे को बोलते हैं कि अभी तू देखती जा मैं तेरे को फर्श से अर्श तक लेके जाऊँगा तो तू चिंता मत कर और आ, मेरी आ, तेरी जो भी ख्वाहिशें हैं मैं पूरी करूँगा बाकी है कि ये बात सच है कि हमें गुरु जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए वो कहते हैं ना मेरे से मांगो मत मुझे मानो ये बात सही है कि मांगना नहीं चाहिए मानना चाहिए पर हम इंसान हैं हम अपनी कोई ना कोई ज़रूरत लेके बैठ जाते हैं मांगने के लिए टेंशन लगी टेंशन लेते ले हैं और फिर कोई चीज़ मांग बैठते हैं तो हमें मांगना नहीं चाहिए क्या गुरु जी को क्या नहीं पता गुरु जी को तो सब पता है हमारे बारे में हमें तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है पर फिर भी हम इंसान हैं हम कुछ ना कुछ टेंशन हो जाती है हम फिर मांगने बैठ जाते हैं तो मुझे मेरे बेटे की बड़ी टेंशन रहती थी बड़ी चिंता रहती थी लेकिन गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि मैंने तेरे बेटे का भविष्य बहुत अच्छा कर दिया उसको मैंने ब्लेस कर दिया है मैंने तेरे परिवार को भी ब्लेस कर दिया है बस तू मंत्र जाप किया कर तू सिमरन किया कर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी बहुत था कि बोलते हैं गुरु जी की बहुत ब्लैक मैजिक था बहुत नेगेटिविटी है तेरे घर में मेरे को बोलते हैं कि किसी ने तुझे कुछ करके खिलाया है और गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरे को उन उनके चेहरे भी तेरे को सपने में दिखाऊंगा तो कहने का मतलब यह है जब गुरुजी आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको एक तसल्ली एक सब्र एक आपको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं और बस वही है कि उनके ऊपर विश्वास रखो मांगना है तो गुरुजी से ये बोलो कि गुरुजी हमें सब्र दो सही बात है यही बोलना चाहिए गुरुजी हमें सब्र दो तो ये मेरा तीसरा सत्संग था मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी हाँ एक चीज़ और कि गुरु जी ने मैं गुरु जी के अभी स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ तो जो भी बोल रही हूँ गुरु जी ही बुलवा रहे हैं गुरुजी ने मुझे बार बार संकट से बचाया है और कितनी बार मेरे को गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी है गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है।, करी है मैंने तेरे को न्यू हेल्थ ब्लेस करी है मैंने तेरे को हेल्थ ब्लेस कर दी है मेरे को गुरु ने कितने ही संकट से मुझे बार बार बचाते हैं क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले जो होते हैं ना वो बाज नहीं आते वो कोशिश करते रहते हैं ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ कर, कोशिश करते रहते हैं वो कि इसके ऊपर अटैक होता रहे होता रहे लेकिन हमारे गुरु जी बैठे हैं वो हमें बचाने वाले हैं बस वो मेरे को यही बोलते हैं तू घबरा मत मैं तेरे साथ हूँ तू घबरा मत तू मेरी दी है मैं तेरा प्यो हूँ तो वो उन्होंने मुझे घर भी ब्लेस बोला है कि मैंने तुझे घर भी ब्लेस कर दिया है तो तू सबको लोग दस सकती है कि मैं तेनों घर ब्लेस कर देता तो ऐसे बोलते हैं कि मैंने तेरे को गुरु तेरे को मैंने घर ब्लेस कर दिया है और तू उन लोगों को बता सकती है कि मैंने तुझे घर ब्लेस कर दिया है तो बस यही मेरा सत्संग था और संगत जी अगर मेरे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें मुझे माफ़ करें और मैं अब अपना सत्संग खत्म करना चाहूँगी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी लव यू गुरुजी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी मैं ये सत्संग अभी सुबह मंत्र जाप के बाद ही शेयर कर रही हो सर मंत्र जाप करते वक्त मुझे ऐसे लगा मुझे जीवन का ये मेरा जो सत्संग है ये मुझे शेयर करना चाहिए सच में गुरुजी जो भी करते हैं वो बहुत ही आ, अच्छे के लिए ही अपने करते हैं अपने को लगता है कि ये हमारे साथ कुछ तो भी बुरा हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए था चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी पर उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अपना हित ही रहता है अपना आ, अच्छा ही रहता है गुरु जी जो भी करते हैं उनके पीछे उनका बहुत प्यार केयर और अपनापन रहता है ये समझ में आता है इस सत्संग से मुझे कि क्योंकि अभी अक्टूबर यस अक्टूबर नवंबर के महीने में मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हमें वहाँ तुरंत जाना पड़ गया वो वेंटिलेटर पे थे हालत बहुत ही सीरियस थी तो वहाँ पे जाके मुझे और मेरे बेटी को रुकना पड़ गया वहाँ पे एक आधा महीना ऑलमोस्ट हमें रुकना पड़ गया क्योंकि पापा सीरियस थे और हेल्प के लिए भी कोई था नहीं ज़्यादा तो हम लोग रुके पर uh, मेरे पति भी कुछ दिन रुके और रिटर्न आ गए वो रिटर्न आ गए थे तो क्या हुआ कि मुझे यहाँ से ना अपने मायके जाने से पहले आठ दस आठ आठ महीने से पहले मुझे वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतना डेंजरस वाइट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है आठ एक महीने से पहले और मुझे मैं उसको सीरियसली नहीं ले रही थी यहाँ पे एक डॉक्टर के पास गई पर उसने भी सीरियसली नहीं किया उसने खास कुछ चेक भी नहीं किया मैं, फिर मुझे लगा कि डॉक्टर ने ही कुछ नहीं कहा तो शायद कुछ नहीं होगा मैंने लाइटली ली वो चीज़ उन्होंने मुझे कुछ विटामिनस बिटवेल एनॉल डिट्री इस तरह दे दवाई छोड़ दिया देन मैं नागपुर गई तो वहाँ पे भी मुझे डिस्चार्ज हो रहा था तो सब लोग मेरे पीछे लगे भाई तो डॉक्टर के पास जाए यहाँ पे डॉक्टर के पास जा तो मैं अपनी दीदी के साथ मिलके के वहाँ पर गायनकोलॉजी के पास गई जो साइड में ही हमारे घर के बाजू में पर वो बहुत अच्छी थी बहुत अच्छे से उसने समझाया उसने तुरंत ही मेरा इलाज किया वेट डिस्चार्ज का दवाई दी वगैरह तो वो ठीक हो गया पर मुझे राइट साइड में ओवरे में पेन बहुत हो रहा था वो क्यों हो रहा था यही नहीं समझ में आ रहा था फिर उसके पास गई तो उसने सोनोग्राफी लिखवा के दी सोनोग्राफी करने के बाद उसमें क्लियर हो गया कि मुझे चॉकलेट सिस्ट है फाइब्रेड है फॉलिक्स वगैरह ऐसा कुछ तो भी बहुत कुछ मुझे उसने बताया समझाया चीज़ें मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा था कि इतना सारा मुझे आठ दस महीने से था और मैं मुझे कुछ यही नहीं हो रहा था मुझे इंडिकेशन आ रहे थे पेन भी होता था फाइट डिस्चार्ज होता था पर मैं उसे बहुत लाइटली ले, ले रही थी क्योंकि मुझे दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि ये कुछ ज़्यादा हानिकारक हो सकता है या इसमें बर्स्ट होने के कारण मेरी जान भी जा सकती है ऐसा कुछ भी मेरे मन में नहीं आया और मैं उस पेन को वाइट डिस्चार्ज को बहुत लाइटली ले रही थी फिर मैंने वहाँ पे जाके पूरा चेकअप किया बहुत सारी दवाइयाँ उस डॉक्टर ने मुझे तीन महीने का कोर्स लिख दिया और मैं वो वहाँ से ही शुरुआत किया और लेने लग गई फिर मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हो गया पर उसी दौरान मेरे जब अंकल यहाँ पे रिटर्न आ गए थे वो आ गए थे और उन्होंने देखा कि आते ही एक दो दिन में मुझे बोलते हैं फोन करके कि अपने बैलकनी में कबूतर मरा पड़ा है तो मुझे सरप्राइज़ लगा कि कबूतर कैसे मरा पड़ा है क्योंकि इसके पीछे ये कारण था कि मेरी सास ने ना मुझ पर ब्लैक मैजिक वगैरह करी थी तो चिड़िया वगैरह बहुत मरती थी मेरे बैलकनी में पर अभी मुझे लगा कि वो छूट गया होगा जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने तो अपने से जोड़ ही लिया था उसी वक्त पर पता कुछ भी नहीं था अपने को उस वक्त भी मुझे कुछ भी नहीं पता था अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर उक्� इस महीने के महीने में भी मुझे कुछ नहीं पता था इंजर्स वगैरह साथ थे और यूनिवर्स साथ थे भगवान जी थे तो मुझे लगा कि ये सब कट गया होगा मेरा मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था तो मेरे भाई ने भी बोला कि ये सब चीज़ें लगाई भी जा सकती है वाइट डिस्चार्ज वग़ैरह और मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरी सास बिल्कुल मुझसे अच्छे नहीं रहते थे और गुरु जी ने ही मुझे उससे छुटकारा दिलाया और उसको मेरे घर से निकाल के उसके पुराने घर में शिफ्ट करते हैं मैंने बात आपको पिछले सत्संग में बताई थी तो वो ये भी बोला कि वो तुमको चैन से कैसे रहने दे सकती है उसके तो मन के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ वो तो वहीं पे तड़पती तड़प रही होगी है ना तुम्हें तुम्हें अब खुश देख के तुम्हें अब शांति से तुम रह रहे देख के तो मुझे भी ये था कि उस क्योंकि उसने इससे पहले भी मुझ पर ब्लैक मैजिक करा था जब वो मेरे साथ रहती थी तब उसने मुझे खुद गुरुपा ने अपने स्वर्गदुदों के द्वारा ये बताया था कि उसने मुझ पर ब्लैक मैजिक करा था और मुझे पागल बना के यहाँ से निकालने के लिए मतलब तो बहुत मेरी हालत ख़राब करके मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए या फिर हो सकती है और कुछ भी उसकी मंशा रही हो तो ऐसे मुझ पर करा था पर उससे मुझे गुरुजी ने मुक्त करा था उस वक्त और मुझे पता नहीं था उस वक्त गुरु जी ही थे करने वाले मेरी इतनी हेल्प और ये सेकेंड टाइम हो गया फिर ये सेकेंड टाइम आठ दस महीने से मैं झुली थी फिर मेरे दिमाग क्या शायद ऐसा हो सकता है तो अब मुझे जाकर ये चीज़ें एक सत्संग में क्लियर हुई थी कि उसने भी मरे हुए कबूतर के बारे में उसने उसमें बताया था और उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि यस यार कि ये यस ये हो सकता है कि कबूतर मरा पड़ा था इट मीन्स कि मुझे जो भी था वाइट डिस्चार्ज वग़ैरह फाइब्रॉइड चॉकलेट सिस्टन और बहुत कुछ मेरे एबडमिनल पार्ट में बॉडी पार्ट में यूरिन इन्फेक्शन एन और बहुत कुछ बताया था डॉक्टर ने ये सब भी लगाया ही जा सकता है ये सब लगाया था पर मुझे गुरुजी ने ये हिंट दी थी कि गुरु कबूतर मरा पड़ा था इट मीन्स कि वो कबूतर के ऊपर में डाल के गुरु ने मेरे कष्ट कटवाए थे उस वक्त क्योंकि अगर देखो ना कंडीशन कैसे ला के, के देखी मेरे पपा की तबीयत खराब हुई तभी इसकी वजह से मैं वहाँ नागपुर में जा पाई नागपुर में जाए तो ही मैं इस चीज़ की तरफ ध्यान दे पाई अदरवाइज अपने घर में मैं अपने मेडिटेशन करना अपने प्रैक्टिस करना अपने काम इससे मैं बिजी थी वो दिन कब पूरा दिन चला जाता था पता नहीं घर के कामया नहीं सब बाकी बातों में तो मैं खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी इतना और समझ में भी नहीं आ रहा था तो दिन भर मेरा घर में ही बीत जाता था अपने ही कामों में वहाँ पे गई इसलिए मैं ध्यान दे पाई सब लोगों ने बोला सब लोगों ने आइडेंटिफाई किया ये सब चीज़ इस तरह फिर मेरे हज मेरे अंकल ने भी ये न्यूज़ दी मुझे कबूतर की तो अब मुझे ये चीज़ें क्लियर हो रही कि ये गुरु जी ही थे जिन्होंने ये सब सर्कमटेंसेस क्रिएट करके मुझे वहां भेजा खुद की तरफ मैंने ध्यान दिलवाया उन्होंने और कबूतर के डेथ की खबर भी मुझे इस तरह से दी और आज मुझे ये चीज़ें क्लियर है कि ये गुरु जी ही थे जिन्होंने मेरे कष्ट कटवाए इस तरह से सच में गुरुपा कितना प्यार करते अपने संगत से और इस तरह उनके कट कष्ट भी कटवाते हैं मेरा पहला कष्ट बि, बिल्ली के ऊपर कटवाया बिल्ली वो जानवर के रूप में आकर मुझे मदद की उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो बिल्ली इस तरह कैसे है क्या आई एंड देन चिड़िया लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके चिड़िया के ऊपर सारा चला जाता था चिड़िया के थ्रू मेरे कष्ट कटवाए क्योंकि रोज एक ना एक चिड़िया मेरे आंखों के आगे ऐसे बैठे बैठे लुढ़क जाती थी बैल्कनी में जब भी जाऊँ चार पांच चिड़ियाँ मैंने इस तरह से मेरी आंखों के आगे गई हुई देखी और फिर मैं उन्हें ज़मीन में गाड़ देती थी, थी और फिर ये मैं नागपुर गई और एक कबूतर मरा पड़ा दिखना और इससे पहले भी एक जख्मी कबूतर मेरे बैल्कनी में मुझे दिखा था नागपुर जाने से पहले जिसके पाव पे चोट थी तो मुझे मैंने उसे पकड़ा उसे पानी वानी दिया पर बहुत ख़राब हालत में था उस वक्त पर उस भी कुछ नहीं पता था मुझे और फिर उसको छोड़ दिया था मैंने शायद कोई तो भी बच्चा लेके गया था और उसने टेरिस पे रखा था तो उसे शायद कुत्ते ने खा लिया था ऐसा कुछ तो भी हो गया था पर देखो ये सब गुरुजी ने ही किया मतलब गुरुजी की हेल्प थी गुरुजी ने ही सब कष्ट कटवाए पर मुझे हवा भी नहीं थी इन सब चीज़ों की और आज मुझे ये सब चीज़ें याद आती है तो मुझे क्लियर हो जाता कि ये तो गुरुजी ही थे जो मेरे कष्ट कटवा रहे थे इस तरह से और बिल्कुल मुझ पर ब्लैक मैजिक था वो सब ये सब मुझे ब्लैक मैजिक के द्वारा बार 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 करवा के किया गया था पर जहाँ पे गुरु जी है जहाँ पे अपने स्वयं परम पिता परमात्मा अपने संगत के साथ है अपने बच्चों के साथ है वहाँ पे वहाँ पे तो सारी संगत सेफ ही है सुरक्षित ही है जिसके पापा जिसके गुरु जी जिसके सब कुछ उनके साथ हो उनका क्या ही कुछ कोई बिगाड़ सकता है बाल भी बाका कर सकता है तो अपने गुरु जी अपने साथ है सभी संगत के साथ है और सभी संगत के साथ गुरु जी है तो कौन उनका बाल भी बाका कर सकता है, है कि नहीं तो अपने प्यारे गुरु जी अपने साथ है अपने पास है और वो अपनी इतनी केयर कर रहे अपने इतने प्यार कर रहे हैं कि उनका उनका तो कर्जा या उनका तो इतना प्यार अपन किसी भी शब्द में बया ही नहीं कर सकते और उनका ये कर्जा अपन कभी उतार ही नहीं सकते सच कहूँ तो ये इतनी इतनी स्पेशल चीज़ें हैं ये इतनी स्पेशल और हम कितने भाग्यवान हैं कि गुरु जी ने अपने हम, हम सबको चुना है अपने पास रखा है अपने से कनेक्ट करवाया है, है कि नहीं तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने से जोड़ा अपने को इतना मदद कर रहे इतना अपना ख्याल कर रहे हैं अपने को कितना सेफ रख रहे हैं एक नई जिंदगी ही प्रदान कर रहे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों से छूटना इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहना कटना इतना आसान नहीं है वरना कब के अपन मरखप जाते कब के अपने को ये ये ऐसे लोग नार्सिस्टिक लोग ऐसे दुश्मन जैसे रहने वाले राक्षस लोग पता नहीं कब के अपने को कच्चा चबा जाते हैं कि नहीं पर गुरुजी है गुरु ही अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं उनकी दिल की हर बात समझ रहे हैं उनकी हर वो चीज़ जो हम नहीं जानते वो उनको पता है तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने गुरु पा के अपने अपने गुरु जी के अपने परम पिता परमात्मा के अपने गुरु जी सब पर कृपा बनाए रखे सबको सेफ रखे प्रोटेक्टेड रखे सबको सबको प्यार करे सबको दुलार करे यही कहूँगी और खुद से सबसे बड़ी बात खुद से जोड़े रखें खुद की छत्र छाया में सदैव रखें यही मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ सभी के लिए सभी सत्संग के लिए और उन लोगों के लिए यही बोलूँगी गुरुपा को कि वो ऐसे निर्बुद्धि लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें जो दूसरों को जीने नहीं देते तो यही मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ जय गुरु जी और यही पर मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर अपने मेरे पास बहुत सत्संग हैं मैं जरूर शेयर करूँगी गुरुपा जब भी मुझे हिंट देंगे तब और अभी मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुपा का लख लख शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा आई लव यू आई लव यू एंड आई लव यू बहुत प्यार बहुत धन्यवाद शुक्राना मेरा सभी सत्संग को जय गुरु जी और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरु जी सभी को और मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मैं अभी एक फेबरवरी से ही गुरु से जी से जुड़ी हुई हूँ इससे पहले से गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ लिया था पर उस वक्त तो कुछ भी नहीं पता था और ये गलत बात हो जाती है कि अपन बोलते हैं कि मैं जुड़ी हुई हूँ एक्चुअली हम कुछ नहीं करते वो तो गुरु जी ही परमेश्वर ही हमको खुद से जोड़ लेते हैं वैसे ही उन्होंने मुझे अभी एक फेप से और उससे ही पहले ही जोड़ा ले, जोड़ लिया था तो ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा तो मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और उनके साथ ही मैं एक दिन बातें कर रही थी उनके साथ ही अपने सत्संग शेयर कर रही थी तो एक घंटा हमने बातें की सत्संग शेयर करे वो मुझे बहुत बता रही थी एक्चुअली उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ बताया गुरु जी के बारे में उसमें फिर उसके बाद में हमारी कॉलिंग होने के बाद में हम मैं बालकनी में गई और बालकनी में जाते ही इतनी सुंदर चंदन की खुशबू आई बहुत ज़्यादा नहीं थी बट हल्की हल्की थोड़ी सी थी बट चंदन के थी अच्छी खासी थी और ये एक मेरा पहला पहला सत्संग हुआ गुरु जी से और आ, मैं अपनी बच्ची एक दूसरा हुआ कि मैं अपनी बच्ची को जब स्कूल में लेने के लिए जाती हूँ तो रोड पे मुझे बैक टू बैक दो बसेस गई और दोनों बसेज के ऊपर गुरु जी के ही चित्र बने हुए थे उनकी ही सॉरी चित्र नहीं आ, स्वरूप थे वो दूसरे गुरु जी के थे बट लाल चोले में थे लाल कपड़े में और गले में रुद्र रुद्राक्ष की माला थी और ऐसे ही थे जिन उनके सर पे भी बाल नहीं थे पर वो चेहरा चेहरा अलग था उनका पर वो भी गुरुजी ने ही मुझे अपने दर्शन दिए थे उसी स्वरूप में पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाई मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु और मैं माफ़ी चाहूँगी सभी सत्संग सभी संगत से कि मैं मेरे वर्ड्स थोड़े गलत हो रहे मेरा पहला सत्संग है ये मैं शेयर कर रही हूँ तो उस वक्त मुझसे ये गलती हो गई थी और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिए थे कि तो मेरे इशारे को पहचान नहीं रही है करके ऐसे मुझे मैसेज भी और मैं सोचती कि मैं कौन से इशारे कौन से इशारे दे रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही थी लेकिन जैसे जैसे मैं दूसरों के सत्संग सुनते गई सभी सत्संग के सुन रही हूँ रोज़ तो वैसे वैसे पता चला कि भी मुझे गुरु जी ने अपने दर्शन दिए थे ऐसे स्वरूप के दर्शन में स्वरूप दिखाकर और तितली भी बटरफ्लाई के रूप में भी दी उन्होंने मुझे जैसे मैं बाहर वगैरह जाती हूँ तो मेरे आगे से कोई ना कोई बटरफ्लाई गुजर जाती है ऐसा मेरे साथ कुछ बार बहुत बार ऐसे हुआ है आ, आ, बाहर निकलते ही मुझे ज़्यादा थोड़ा सा आ, जो सत्संग होते हैं वो मेरे साथ होते हैं जैसे कि नंबर्स वगैरह गुरु जी को जैसे बोलते हो कि आप मेरे साथ अंग संग रहो गुरु जी मेरे साथ रहो तो ट्रिपल फोर फोर टाइम फोर दिखना ट्रिपल सेवन दिखना गुरु जी ने मुझे ये भी बोला है कि सात नंबर की ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं ये तो इस तरह मेरे साथ उनके बहुत से सत्संग ऐसे छोटे छोटे इनको छोटे नहीं बोल सकते एक्चुअली वो बड़े ही सत्संग हैं क्योंकि गुरु जी खुद उस स्वरूप उस स्वरूप में या उस, आ, उसके जरिए हमसे कनेक्ट होते हैं हमसे जुड़ते हमें इशारे देते हैं हमें बताते हैं कि ये मैं तुमको इशारा दे रहा हूँ मैं ये तुमको बता रहा हूँ पर हम इतने नादान हैं और इतने कम बुद्धिमान हैं हम कि हम समझ नहीं पाते उनकी इन सब इशारों को बातों को उनके साइंस को हम समझ नहीं पाते है ना तो ये हमारी गलती होती है पर गुरु जी इतने इतने बड़े दिल वाले हैं कि वो हमारी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमारी हर चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ को क्लियर कर देते हैं हमें हम ये बताते हैं चीज़ कि ये चीज़ क्या है है ना और फिर अभी मैं आ, अपने घर में मतलब गुरुजी मुझे बल बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा येलो चलो मैं आऊँगा पर ऐसा हुआ कि कल ही गुरुजी का एक स्वरूप मैंने मेरे अंकल के साथ जा के प्रिंट करवाया और फ्रेम वगैरह करवा के कल ही कल के कल लेके आई क्योंकि कल मंडे था और गुरुजी ने ये खुद से ही करवाया है Uh, क्योंकि मैं पहले इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि आप जब आना चाहते गुरु जी आप जब ये आपका घर है हम आपकी फ़ैमिली है आप जब इसमें आना चाहोगे तब आप अपने ही से आइएगा बट पता नहीं क्यों मेरा माइंड एकदम से चेंज हो गया और मैं ही अपने अंकल के साथ जाके एक चीज़ ये बात कर ली उनका स्वरूप डाउनलोड करके फ्रेम करवा के लेके अपने अंकल के साथ क्योंकि मेरा ज़्यादा संग ये संगत के साथ कोई भी जुड़ाव नहीं है यहाँ पे कोई हमारे अगल बगल में ऐसे कोई भी लोग नहीं है और मैं पुना में रहती तो दिल्ली या डुगरी मंदिर कब मुझे जाने को मिलेगा मुझे ही नहीं पता तो गुरु जी ने ही ये चीज़ मुझसे करवाई और वो अपनी मर्जी से आई यल्लो चले में मेरे घर और ये घर ऑब्वियसली ये हम बोलते हैं कि ये मेरा ये मेरा पर मेरा यहाँ कुछ नहीं होता एक्चुअली अपना शरीर अपनी आत्मा भी अपना नहीं रहता ये अपना यहाँ पे है ही नहीं कुछ वो तो भगवान का परमेश्वर का ही रहता है सब यह है कि हम अपने को मैं करके संबोधते वो चीज़ अलग होती है तो ये घर भी उन्हीं का है वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं हम भी उन्हीं के हैं हमारे लाइफ में भी उन्हीं की मर्ज़ी से आए हैं उन्होंने ही अपने से हम लोगों को जोड़ा है ये सब उन्हीं की कृपा होती है और ये सब उन्हीं का ही उन्हीं का ही किया रहता है सब कुछ उन्हीं के ही परमिशन रहती है सब कुछ तो ये सब ऐसे है फिर मैं उनके लिए नए बर्तन भी लेके आई उनको भोग वगैरह दिलाने के लिए तो बर्तन में भी लोटे में मुझे सात नंबर की ब्लेसिंग मिली दो कटोरियों में मुझे ओम नम ओम की ब्लिसिंग्स मिली और थाली पे भी रेनबो करके लिखा हुआ था और डाली आंटी जी आपका नाम वहाँ पे था तो मुझे आप ही आपकी मैं सत्संग सुनती हूँ सॉरी तो मुझे आपका याद आ गया कि यस ये तो पुरानी संगत है और बिल्कुल ये ले लेना चाहिए और मैंने ये ले लिया और छोटी सी ग्लास ली उसके ऊपर कुछ नहीं था और बाकी सब था तो इतनी खुश हो गई ये सब बातों को देख के तो ऐसा मेरा अनुभव रहा है गुरु के साथ बहुत प्यारे प्यारे है बहुत अच्छा लगता है और अब कल मैंने उनकी जो स्थापना थी अपने घर में यहाँ पे मैंने मेरा अल्टर है एंजल्स का तो वहाँ पे मैंने उनको रख दिया कि मुझे लगा कि वहीं पे रखना चाहिए और फिर शाम को फिर वो सब भोग वगैरह लगा और रात को थोड़ा सा मैं बाहर शाम का ही टाइम तो आठ बजे वगैरह होगा साढ़े आठ बजे मैं बालकनी में गई तो सुंदर सी गुलाबों की खुशबू थी गुलाबों की खुशबू कभी नहीं आती है मेरे घर में कभी नहीं आती है लेकिन मैंने उस कल शाम को ही उस दिन कि महसूस किया कि गुलाबों की खुशबू है बालकनी में इट मीन्स कि गुरु आए थे और उन्हें सब पता है बिल्कुल फिर मैंने उनको कड़ा प्रसाद और उन्होंने मुझे इससे पहले ही कहा था कि मैं उन्हें गोभी की सब्ज़ी आलू की सब्जी और पूरी ऐसा दूँ तो वो भी बनवाया था वो भी बनाया था फिर इसका भोग वगैरह लगाया और बहुत अच्छे से सब हुआ और अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है उनके आने से घर में एक कम्प्लीटनेस फील होता फील हो रहा है मुझे क्योंकि मेरे मन में हमेशा था कि कोई बुरा बुजुर्ग अपनी लाइफ में होना चाहिए अपने घर में होना चाहिए समझदार जो अपने को हर चीज़ में गाइड करे हर चीज़ के बारे में क्लियरली बताएँ जिसके ऊपर अपन सब कुछ छोड़ के ना निश्चिंत हो हो सके है ना जैसे कि रहता है ना बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे हर चीज़ पूछना गाइडेंस लेना या है बड़ा कोई घर में तो थोड़ा सा निश्चिंत रहना तो मैं वैसा फील कर रही हूँ मुझे बहुत फ्री फील हो रहा है और गुरु जी के आने से ऐसा लग रहा है कि बस अब अपने कंधे का बोझ जैसे उतर गया हो <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है तो ये मेरा पहला सत्संग है मुझसे कोई गलती हो गई हो इसमें तो मैं माफ़ी चाहूँगी सभी संगत से और गुरु जी से भी मैं माफ़ी चाहूँगी कोई चीज़ें अगर आगे पीछे हुई हो तो ये गुरु जी मुझसे अभी डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं तो ये इसके बाद का ये जो मेरे साथ घटी है घटनाएँ ये मैं यहाँ पे शेयर करी हूँ यहाँ पे ये सत्संग में शेयर करी हूँ वैसे तो जोड़ तो उन्होंने पहले लिया था पर वो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा तो वो मैं मैं, मैं बाद में शेयर करूँगी तो यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लख लख बार शुक्राना गुरु जी क्या आप हम हम हमें आपने अपने से जोड़ लिया और हमारे ज़िंदगी में आप आए है ना और मैं मंत्र जाप से जाप भी करना चाहूँगी जय गुरु जी और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय गुरुजी गुरु जी मुझे माफ़ कर देना आपकी इस नादान पगली सी बच्ची को नासमझ बच्ची को माफ़ कर देना बोलने में सत्संग सुनाते वक्त कहीं गड़बड़ हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी और सभी सत्संग सभी संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जय गुरु जी गुरुजी गुरु जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मैं शीतल पुना से अपना सत्संग गुरु जी के हुक्म से आप सब के साथ शेयर करती हूँ जब गुरु जी का आगमन हुआ मेरे घर में उनके स्वरूप का आगमन हुआ मेरे घर में तो उनकी जो स्वरूप मैंने बनवाया था वो हमने जब घर में लाया तो उसी दिन रात को मेरे सपने में आया कि गुरु जी के अंदर जो लगी हुई फ़ोटो है जो स्वरूप है वो थोड़ा सा एक साइड से ऊपर से नीचे से खिसक गया वही फ्रेम के अंदर ही सरक के एक साइड से डाउन में आ गया ओके तो मैं इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाई थी पर दोपहर को जब मैं उसके ही दूसरे दिन दोपहर को जब मैं कोई सत्संग सुन रही थी तो उसी में मुझे गुरु ने ये बात क्लियर करवाई ये बात का मतलब समझाया कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जब हम ये स्वरूप बना रहे थे तब मेरे अंकल जी भी मेरे साथ थे और वो उन्हें आ, जो स्वरूप हम बनवा रहे थे फ्रेम करवा रहे थे तो उन्हें वो प्राइस उसका ज़्यादा लगा सेवन हंड्रेड उन्होंने सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी बोला था तो उन्होंने थोड़ा बार्गिन करके उन, उन्होंने बोला कि ठीक है हम सेवन हंड्रेड पर वो भी मेरे हस्बैंड को ज़्यादा लगा क्योंकि उनके हिसाब से वो डबल चार्ज कर रहे हैं और हमारे घर के पास ही वो शॉप था पर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इससे मेरे लिए तो यही था कि गुरु मेरे लाइफ में मेरे घर में एक्चुअली ये मेरा लाइफ या मेरा घर नहीं है तो सब उन्हीं का ही तो वो आए बस मेरे मन में एक ही था बस गुरु आए गुरु आए घर में आ जाए लेकिन वो प्रैक्टिकल दिमाग के मतलब वो कनेक्टेड नहीं उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता कुछ भी ज़्यादा तो वो अपने वे में चीज़ों उनको हैंडल कर रहे थे और जो भी बार्गेनिंग है ना उनका चल रहा था मैंने थोड़ा माइंड बात माइंड किया इस चीज़ को और उनको बोला भी कि भगवान की प्रतिमा को खरीदते हुए ऐसे बार्गिन नहीं करते आप शांत बैठो और तो उन्होंने सेवन हंड्रेड लिया और ये हमने स्वरूप लाया और उसी के रात ऐसा मुझे सपना भी आया मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो ये इसी में बताया गया दूसरे सत्संग में जो मैं सुन रही थी कि आपके अगर कहीं पे भी कहीं पे भी इवन नि, निर्जीव वस्तु के द्वारा भी आ, अपने कर्म काटते हैं गुरु जी निर्जीव वस्तु के द्वारा भी आ, कुछ भी ऐसा करके आ, जैसे कि मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज लेके तो ठीक है वो मैं तो वो सोच नहीं रही थी जो भी प्राइस था मैं पे करने को तैयारी थी मेरे गुरु जी इंपॉर्टेंट है तो तो सत्संग में यही था कि निर्जीव वस्तु के द्वारा भी आपके कर्म काटे जाते हैं तो मेरा जो प्रॉब्लम है बेसिकली मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे लेके ज़्यादा पैसे खर्च करवा के उन्होंने मेरा फाइनेंस का जो भी कट कर्म था जो भी मेरे कर्म रहे होंगे रिलेटेड वो उन्होंने काटे है ना ज़्यादा चार्जेस लेके तो ये बात ये मैसेज मुझे इस सत्संग से प्राप्त हुआ कि उनका अलग था एक्चुअली इंसिडेंट बट रिलेटेड टू मनी ओके तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ बट मेरा इंसिडेंट अलग था और सपने में ऐसा मुझे तस्वीर हिला के उन्होंने वो थोड़ा इंडिकेशन दिया तो ऐसे मुझे गुरुजी ने इस चीज को लेके गाइडेंस uh, दिया मैसेज दिया और डेफिनेटली गुरुजी बहुत निर्जीव चीज़ों के द्वारा भी अपने कर्म कटवाटते हैं अपने अपने को उस आने वाली विपदा से बचाते हैं है ना तो ऐसे गुरुजी के की चमत्कार है और ये मुझे बहुत अमेजिंग चीज़ लगी बहुत अमेजिंग बात लगी कि गुरुजी इतने छोटे छोटे चीज़ों से चीज़ों के द्वारा हमें हेल्प करते हैं तो और सेवन नंबर की ब्लेसिंग भी मुझे उसी के साथ मिली तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बाकी की बातें थी पर मेरे अंकल जी को फिर मैंने आ, कैसे मैं, मैंने उनको बताया थोड़ा समझाया कि सेवन नंबर की ब्लेसिंग्स मिली है आपको और क्या चाहिए गुरु जी को मैंने माफ़ी भी मांगी उनकी तरफ से तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आने वाला सत्संग में और शेयर करूँगी जी ये छोटा सा मैंने एक गाइडेंस के तौर पर और इस सत्संग के तौर पर भी गुरु जी के हुक्म में ही ये शेयर किया है क्योंकि बहुत से लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें घटती हैं और वो उन्हें नहीं पता होता तो सत्संग के द्वारा ही पता चलता है तो ये भी उसमें एक है तो शुक्राना गुरु जी जय जय गुरु जी वाह गुरु जी धनधन गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना 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 जी